नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल फुल टेक्निकल इंडिया चैनल पे और मैं मनोज पंडित। दोस्तों, हम योग दिवस के बारे में आज बात करने वाले हैं। आज कोई टेक्निकल वीडियो लेकर नहीं आए हैं। कल योग दिवस है और योग दिवस को लेकर के अगले वर्ष बहुत ही घमासान हुआ था। आप देखे होंगे, आप भी न्यूज देखते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब लेकर के बहुत ही चर्चे में था कि योग एक हिंदू धर्म के लिए ही है या मुसलमान इसका उपयोग नहीं करेंगे या योग नहीं करेंगे। तो दोस्तों, इसे आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से ना जोड़ें बल्कि अपने ये स्वास्थ्य के लिए लेकर के जोड़ें। योग करने से व्यक्ति निरोग रहता है और योग करने से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ता नहीं है बल्कि अच्छे तरह से बना रहता है। दोस्तों, उसे एक एनर्जी पावर मिलता है योग करने से, वो धीरे धीरे ताकतवर होता जाता है, उसे बीमारियों से लड़ने की क्षमता मिलती है। इसीलिए आदमी योग करता है और हमेशा वो एक्टिव रहता है, बल्कि उसे एक्टिव ही नहीं बोले बल्कि उसका पूरा जो उसका शरीर होता है उसे वह ग्लेजिंग जो होता है, मान लीजिए चेहरे की चमक होता है, वह चमक बरकरार रहता है योग करने से। तो दोस्तों, हम भी योग करते हैं, हम भी पर डे योग करते हैं, हम भी आपका अपना वीडियो दिखाएंगे जो योग करते हैं सो इस वीडियो के लास्ट में। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम इस तरह का वीडियो लाते रहते हैं, और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो चलिए दोस्तों, आप भी कमेंट करके हमें बताइए कि आप योग करते हैं या नहीं। अगर आप योग नहीं करते हैं तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है और इस अवसर को आप छोड़े ना, इस अवसर को आप पकड़ लें। दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप योग नहीं करते हैं तो योग दिवस के शुभ अवसर से आप स्टार्ट करना शुरू कर दें, योग करना शुरू कर दें। ये नहीं है कि योग दिवस के अवसर पर हमने योग कर लिया, इसके बाद कहाँ योग और कहाँ हम, इसका दोनों का मेल ही नहीं। ऐसा नहीं करना है आपको, योग पर डे करना है, और पर डे योग करने से आपको यह फायदा आपको जरूर नजर आएगा। ये हमारा अपना प्रैक्टिकल किया हुआ है, आप भी कीजिए और निरोग रहिए। यही आप लोगों से एक छोटी सी हमें उम्मीद है और रिक्वेस्ट है कि आप भी योग करें रोजाना और निरोग रहें, और आप अपने परिवार को भी योग करने की सलाह दें और योग करें, सब लोग मिल के करें, एक साथ करें और निरोग रहें। चलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो में बस इतना ही बताने वाले थे, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कोई टेक्निकल वीडियो लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।